नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछले कुछ दिनों से कोस्टल कर्नाटका टूर करते करते हम पहुंच चुके हैं गोकर्णा। अपने होम स्टे से हम चले ओम बीच जाने को। रास्ते में पहाड़ के ऊपर हमने गाड़ी रोकी है। हमारे ठीक सामने कुडले बीच है। एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। बीच के राइट साइड में भी पहाड़ है, लेफ्ट साइड में भी पहाड़ है, और सामने आप नज़ारा देखिए, सुबह का टाइम है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। आपकी जानकारी के लिए, जब आप गोकर्णा आएंगे और आपको ऐसे बीच जाना है जहाँ से सनसेट भी आपको अच्छा देखने को मिले और फूड ईटरीज भी सबसे ज़्यादा हो, तो आपकी चॉइस होनी चाहिए कुडले बीच। आज के हमारे प्रोग्राम में कुडले बीच विजिट नहीं है, आपको थोड़ा सा एरियल व्यू फिर भी दिखा रहे हैं हम। कुडले बीच हम कल जाएंगे। 5-10 मिनट और व्यू एंजॉय करते हैं, फिर हम यहाँ से ओम बीच को चलते हैं। लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। लो जी, हम पहुंच गए ओम बीच। ये बीच गोकर्णा का सबसे ज़्यादा फेमस बीच है। यहाँ पर आके ना टूरिस्ट फोटोग्राफी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि रॉकी टेरेन है यहाँ पर, तो सैंड साइड कम है, रॉक साइड ज़्यादा है। तो आराम से आप बैठो, व्यू इंजॉय करो। जैसे अभी हम बैठे हैं एक बड़ी सी रॉक के ऊपर, कुछ बोट सामने खड़ी हुई हैं। ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। इस समय तो टूरिस्ट ना के बराबर हैं, हार्डली 4 या 5 लोग होंगे पूरे बीच पे। वैसे बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इन दिस रीजन कोस्टल कर्नाटका इज नवंबर टू जैन। इस बीच को ओम बीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है ना, वो ओम के आकार जैसी है। ओम बीच से अगर आप 2 बीच और देखना चाहते हो, पैराडाइज बीच और दूसरा आपने बताया हाफ मून, तो आप बोट पे जा सकते हो। गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती है, तो उसका आपने बताया 300 रुपये लेते हो एक आदमी का, 30 मिनट्स की राइड होती है। बीच पे आप लोग उतरने का नहीं देते, लेकिन बाहर से दिखाते हो, वहाँ 5 मिनट रुक कर दिखा देते हो, साथ में संगम पॉइंट लेके जाते हो। अभी अगर हम 1-1.5 घंटा वेट करेंगे कि 10-15 लोग इकट्ठे हों, शेयरिंग में जाएँ, तो टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने बोला कि आपसे हम 4,000 रुपीज़ लेंगे। अब क्या है, हमारे लिए 30 मिनट्स कम है, हम बीच में थोड़ा देर उतरना भी चाहते हैं, तो 4,000 रुपीज़ लेंगे 1 आवर एंड 15 मिनट्स, ठीक है ना? तो हम इस बोट पे जाएंगे, इस बोट पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लाइट हाउस देखने जा रहे हैं। यहां से लाइट हाउस तक पहुंचने में 20 मिनट्स, और उसके बाद वहां से हम पैराडाइज बीच जाएंगे। चलो जी, बोट राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये बोट राइड तो अल्टीमेट है। अब इन्होंने क्या किया, हमारे को संगम पॉइंट तक ले आए हैं। यहाँ पर अगनाशनी रिवर अरेबियन सी को मिल रही है, ठीक है। रिवर वहाँ से आ रही है, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है सिरसी, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, समुद्र को यहाँ पे आके मिल रही है। यहाँ पर आप आइए, इनको रिक्वेस्ट करके बोट को कर दीजिए ऑफ, मतलब इंजन कर दो ऑफ मोटर का, और चारों तरफ देखो, बड़ा मज़ा आ रहा है, अल्टीमेट। और सामने जो लाइट हाउस है ना, वो ब्रिटिशर्स के टाइम का है। दिस इज़ अ लवली प्लेस। भैया एक चीज़ बताओ, अभी तो हम आपके साथ बोट पे आए, अगर किसी को पैदल आना हो तो पहाड़ पहाड़ से रास्ता है क्या? ट्रैकिंग रास्ता है। ट्रैकिंग रास्ता, ओम बीच से कितना देर लगता है? ओम बीच से आपको इधर बेलिके ने आना तक 2 घंटे लगेंगे। अच्छा जी, तो यानी अगर आपको बोट पे नहीं आना और आप पैदल आना चाहते हो ट्रैक करके, तो पहाड़ के ऊपर से 2 घंटा में आ सकते हो। संगम पॉइंट पे इस तरह से यहाँ पर रुक के इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा है, अच्छा है ना, बहुत अच्छा।
लो जी हम पैराडाइज बीच पहुंच चुके हैं, जन्नत है ये जगह। अपनी चप्पल मैंने बोट पे उतार दी। वाओ, सो गुड। मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा, कभी भी आप गो करना आते हैं, बोट राइड आपको जरूर करनी चाहिए, पैराडाइज बीच जरूर आना चाहिए। बोट पे आओ, ट्रैक करते आओ, कैसे भी आओ, बहुत मजा आएगा। काम सीरीन एनवायरनमेंट, लहरें देखो आप कैसे बड़ी बड़ी रॉक्स पे टकरा रही हैं। रॉक के ऊपर चलेंगे। वाओ, सुपर्ब। अब हम यहाँ से चल रहे हैं बोट आगे किनारे, इस पे बैठेंगे। और एक चीज़ आप और देखो, यहाँ पर ये सैंड ही अलग है। ये देखो सैंड, गोल्डन सैंड है, हाथ में ऐसा उठाने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये बीच पसंद आ गया, लवली। ये पैराडाइज बीच के सामने ही ये हाफ मून बीच है, ये तो 5 मिनट में पहुंच गए। लो जी हम पहुंच गए हाफ मून बीच। क्या बात है, पानी देखो आप कितना साफ है, मतलब कम से कम 1 से 1.5 फीट तो आप इधर खड़े होकर नीचे देख सकते हो। लवली, क्या बात है। जितना मेरे को पैराडाइज बीच पसंद आया ना, उतना ही ज्यादा पसंद मेरे को ये बीच भी आ रहा है। बीच का जो डिजाइन है, शेप है, ये हाफ मून जैसे है, इस वजह से इसका नाम है हाफ मून बीच। गोवा वर्सेस गो करना, जब आप गोवा जाते हैं, आप, नेचर और क्राउड, 3 चीज़ होती है। गो करना में आप हैं और नेचर है, क्योंकि क्राउड नहीं है यहाँ पर। मुझे इस तरह का वातावरण पसंद है जहाँ पर क्राउड कम से कम हो और आप नेचर का खुल के मज़ा उठा सको। दिल खुश हो गया, मतलब मैं तो यहाँ पे आधा दिन बिता सकता हूँ, इतना ये जगह मेरे को पसंद आ रही है। लेकिन हम बड़े लिमिटेड टाइम के लिए बोट लेकर आए हैं, हमें चलना होगा। भैया धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत अच्छे से आपने हमें घुमाया, बहुत मेहनत का काम है, मज़ेदार एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे आना। चलिए अब हम टेंपल को चलते हैं। हम श्री गणपति टेंपल के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से जाएंगे। अभी मंदिर में आकर मैंने भगवान गणपति के दर्शन करे। आमतौर पे जब हम गणपति भगवान के दर्शन करते हैं तो वो बैठी हुई मुद्रा में होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा भगवान गणपति बाल रूप में स्टैंडिंग पोजीशन में है। दूसरी बात, भगवान गणपति यहाँ पर जिस रूप में हैं, उनके 2 हाथ हैं, ये भी एक डिफरेंट चीज़ हमने यहाँ पर आके देखी। मैंने यहाँ पर ना पुजारी जी से रिक्वेस्ट करी है, हमें इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी दें। आप तो जानते ही हैं, रावण जी ने, शिव जी का परम भक्त है, उन्होंने तपस्या करके शिव जी के पास जो आत्मलिंग रहता है उन्होंने उसे ले लेता है। लंका जाते वक्त उनको गोकर्ण मिलता है, फिर उनको संध्यावन करना है, वो ब्राह्मण है, उस लिंग को रखने के लिए और पकड़ने के लिए किसी को ढूंढते रहते हैं, तब गणेश जी वटरूप धारण करके वहाँ रहता है। रावण जी ने उनके पास वो आत्मलिंग देता है कि मैं जब तक संध्यावन करके आऊँ तब तक ये पकड़ के रहना, लेकिन गणेश जी ने कह देता है कि मैं 3 बार पुकारूँगा तब तक तुम आ जाने का है, वरना मैं उसको ज़मीन के ऊपर रखूँगा, ऐसे कह देता है। फिर रावण संध्यावन करने के लिए जाता है, फिर गणेश जी ने उसको 3 बार पुकार कर वो रख लेता है। फिर रावण जी को बहुत गुस्सा आता है, वो आके गणेश जी का मस्तक के ऊपर प्रहार करता है, वो अभी तक
आप देख सकते हैं, अगर अंदर जाने से वो देख सकते हैं, ये दो हाथ का खड़ा हुआ गणेश जी है, वटोरूपी विनायक। एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में मोदक पात्र है और पेट में सर्प है। ऐसे गणेश जी को आप दुनिया भर कहीं नहीं देख सकते। बहुत ही पुराना है, त्रेता युग की है ये कथा। जो अच्छा, जो आपने हमें कथा बताई ये त्रेता युग की है। त्रेता युग की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार में हमें पूरी कथा बताई। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। श्री महागणपति मंदिर के साथ ही श्री महाबलेश्वर देव जी का मंदिर है। इस समय मंदिर के बाहर ही खड़े हैं, एंट्रेंस दूसरे गेट से है, तो आगे की ओर जाएंगे। हमने मंदिर के अंदर जाके भगवान शिव के दर्शन करे। मैं आपको बताना भूल गया था कि श्री गणपति मंदिर और यहाँ जो भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ आने के लिए मेल्स को इस प्रकार से धोती पहन के आना होता है। अब दर्शन हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट करी है कि अगर कोई हमें स्थान की महानता के बारे में कुछ जानकारी दे सकें, तो बस 5-7 मिनट में हम उनको मिलते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। श्री क्षेत्र गोकर्ण, Sri Mahabaleshwara Temple. My name is G.K. Hegde, the administrator of the temple. This is an ancient temple, and this Atvalinga, you know the story of mythological significance. It was worshipped by Shiva and got by Ravana, and he kept it, Mahaganapati kept it here. And thousands of people all over India, they will come here and they will worship Lord Shiva to have their prayers fulfilled. Raghaveshwara Bharati Mahaswamiji of Sri Ramachandrapura Math is the head of this temple, and he is making directions for the administration of this temple. He has given 3 points for observation, that is Devahita, Bhaktahita and Sevakahita. On these lines, the administration of this temple is going on. I request all the people to obey the dress code also who are coming here to have darshan. Thank you all. मैंने श्री गणपति टेम्पल में और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, फॉरनर्स नॉट अलाउड। तो मैंने पता लगाया कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इन्होंने बताया कि पहले फॉरनर्स अलाउड थे, लेकिन इन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी फॉरनर्स, स्पेशली जो यूरोप से आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था बताने के बाद भी कि टेम्पल में बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इस रीज़न की वजह से फॉरनर्स की एंट्री इन दोनों टेम्पल्स में नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम भोजन के लिए यहाँ से जा रहे हैं। भोजन प्रसादम यहाँ पर दोपहर में 2 बजे तक रहता है, शाम को बताया गया। भोजन प्रसाद हमने कर लिया है, चावल, सांबर, पायसम, बहुत स्वादिष्ट। पिछले कुछ दिनों में मैंने जब यहाँ ट्रैवल किया, मैंने नोटिस किया हर टेंपल में दोपहर के समय और रात के समय भोजन प्रसाद रहता है। यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं वो हैं दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम के समय 7:30 से 8:30 तक। मैं भोजन प्रसाद की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब हम बाहर आ चुके हैं, थोड़ा और बाहर की ओर चलते हैं और आपको वो स्थान पर लेके चलते हैं जहाँ पर अस्थि विसर्जन होता है। जैसे बनारस जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उसी प्रकार से साउथ में जो लोग हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटका, केरला से, वो लोग यहाँ पर आते हैं अस्थि विसर्जन के लिए। कुछ देर के लिए वहाँ पर चलेंगे। नज़दीक में ही माँ पार्वती मंदिर है, मंदिर के साथ ही श्री ताम्रपर्णी तीर्थ है। इस स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं, लोग अस्थियाँ विसर्जन करने आते हैं। गोकर्णा को दक्षिण काशी भी कहते हैं। Thank you.
हम अभी इस रास्ते से राम तीर्थ की ओर जा रहे थे। पहाड़ के ऊपर जैसे ही हम थोड़ा ऊपर पहुंचे ना, तो यहाँ से देखिए व्यू कितना शानदार आ रहा है इस बीच का। इसको गोकर्णा बीच बोलते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। गोकर्णा में जितने भी सी बीचेज हैं, मैंने आपको बताया 6 सी बीच हैं, ये सबसे बड़ा सी बीच है। टोटल इसकी लेंथ है 3 किलोमीटर। पार्किंग से जैसे आप बीच की ओर आएंगे ना, तो आपको क्राउड दिखेगा, वो 400-500 मीटर के दायरे में क्राउड रहता है। लेकिन अगर आपको कोई सेक्लूडेड लोकेशन चाहिए इसी बीच की, तो आप वॉक करते करते 1 किलोमीटर आगे चले जाओ, या आप इधर से ही देख लीजिए जहाँ पर हम खड़े हैं, ये भी सेक्लूडेड लोकेशन है। हमने थोड़ी देर पहले रावण गणपति वाली बात के बारे में जाना। यह वही स्थान है जहाँ पर कहते हैं रावण संध्या वंदना के लिए आए थे। भगवान गणपति का मंदिर गोकर्णा बीच के बहुत पास है, हार्डली 400 मीटर या 300 मीटर के डिस्टेंस पर। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे राम तीर्थ को। जिस जगह से हम गोकर्णा सी बीच को देख रहे थे, उस जगह से 2 मिनट पैदल हम आगे आए हैं तो राम तीर्थ पहुँच चुके हैं। इस जगह यात्री जो आते हैं स्नान करते हैं फिर ऊपर को जाते हैं, तो यहाँ पर पानी 24 घंटे 365 दिन इसी प्रकार से आता रहता है। यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऐसा कहते हैं रामायण काल में भगवान राम ने रावण का वध किया, तो भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष का निवारण करने के लिए वो इस स्थान पर आए और यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। यहाँ पर जो सामने आप पानी देख रहे हैं, यहाँ पर पानी पीने से अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है तो वो क्योर हो जाती है, ऐसा लोकल्स का विश्वास है। तो मुझे 3-4 लोगों ने बोला था आप राम तीर्थ जाना, खुद भी पानी पीना और हो सके तो बड़े कंटेनर में भरकर अपने घर भी ले जाना। तो मैं अपने लिए अपने साथ एक 5 लीटर का जार भी लाया हूँ। पहले मैं ऊपर चल के पानी पी लेता हूँ। हम इस समय समुद्र किनारे ही खड़े हैं, यहाँ का पानी मीठा है। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। मैं एक कंटेनर जिसकी बात कर रहा था उसमें पानी भर लेता हूँ। मुझे किसी ने कहा था राम तीर्थ से आप 100 मीटर आगे जाना तो आपको एक कार्विंग देखने को मिलेगी। ये रही जी सामने, सामने देखिए आप, नज़दीक चल के भी देखेंगे। एक लेडी के फेस को कार्व किया है एक बहुत बड़ी रॉक के ऊपर। तो ये एक फॉरेन आर्टिस्ट था, कब किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन फॉरेन आर्टिस्ट ने यहाँ पर आके ये कार्विंग करी है। ऊपर चल के देखेंगे। फस फस के आई गए। जींस पहन के आना चाहिए था। फाइनली पहुंच गए। हम इस बड़े पत्थर के पास आ चुके हैं। बनाने वाले ने ना बहुत खूबसूरती से लेडी फेस को इस बड़ी स्टोन पे कार्व किया है, आप सामने देख ही रहे हैं। अगर थोड़ा यहाँ पहुँचने का रास्ता सुधर जाएगा, प्रॉपर मतलब पैसेज बना देंगे, तो टूरिस्ट इस जगह इस कार्विंग को देखने ज़रूर आएंगे। दूसरी बात यह है, यहाँ पर खड़े होके समुद्र का भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। सामने गोकर्णा बीच और आगे समुद्र ही समुद्र। चलो जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं लाइब्रेरी। 10 मिनट में लाइब्रेरी पहुँच जाएंगे। जाने से पहले 5 मिनट यहाँ पर खड़े होके समुद्र को देखेंगे। वाह क्या बात है, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ना, आप सामने का सी व्यू देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्पेशली जब आप हाइट से समुद्र को देखते हो ना, वो चाम ही अलग होता है। तो वो चाम आपको इस जगह से मिल सकता है। नाइस, चलिए आगे को चलते हैं। बाहर देखिए लिखा हुआ है बिब्लियोथेक लाइब्रेरी। इस समय हम लाइब्रेरी के अंदर आए हैं। कलेक्शन देखिए आप यहाँ पर कितनी ह्यूज है। एक रफ एस्टिमेट से कह सकते हैं 30,000 या 40,000 किताबें तो यहाँ पर ज़रूर होंगी। जिस इंसान ने ये लाइब्रेरी बनाई उनका नाम है विदेश्वर जी। इस समय तो उनकी डेथ हो चुकी है, 1 साल हो चुका उनकी डेथ को, लेकिन जितना मैं उनके जीवन के बारे में यहाँ आने से पहले पढ़कर आया हूँ कि वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। जीवन भर उनकी जब जब थोड़ी थोड़ी सेविंग होती थी वो किताबें खरीदते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे,
मान लीजिए कोई पीएचडी में एक टाइटल में रिसर्च कर रहे हैं तो आके उनको बोलते थे कि हमें इस सब्जेक्ट पे आप किताब दे दीजिए, तो वो किताब देते भी थे और बताते थे इस सब्जेक्ट का, इस किताब के इस पेज पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज की डेट में मेंटेनेंस कम है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है मेंटेनेंस होगी तो टूरिस्ट भी आकर यहाँ पर लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं। मैंने सुना कि कुछ फ्रांस से लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर विदेश्वर जी को मिलकर इस लाइब्रेरी की मेंटेनेंस पे भी काम किया था, थोड़ी सी पुरानी बात है, और साथ में कुछ फंड्स इकट्ठे किए थे लाइब्रेरी की मेंटेनेंस के लिए। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। इस समय हम एस्चुरी पॉइंट जा रहे थे, कुछ डिस्टेंस चल लेने के बाद हमने गाड़ी रोकी है। इस एरिया को बोलते हैं सानी कट्टा। अब मेरे पीछे आप देखिए जो इतना सारा आपको पानी दिख रहा है ना, ये फील्ड्स बने हुए हैं, ये सारा सॉल्ट वाटर है। थोड़ा आगे चले जाएंगे लगभग आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर तो आप पहुंच जाएंगे अघनाशिनी रिवर। अब अघनाशिनी रिवर समुद्र को मिलती है तो जो बैक वाटर्स हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। हाई टाइड के समय पानी इधर आता है तो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, पानी वापस नहीं जाता। अभी तो दिसंबर का फर्स्ट वीक है, मार्च अप्रैल में जब गर्म मौसम होने लगेगा तो पानी इवेपोरेट कर जाएगा, नीचे सॉल्ट बच जाएगा। तो जब डांडी मार्च हुई थी, इसके बारे में हम सब जानते ही हैं, तो यहाँ पर भी आंदोलन हुआ था, उसका भी एक कनेक्शन है इस जगह के साथ। सानी कट्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काम यहाँ पर बहुत सेंचुरी से हो रहा है। जिस पर्सन ने पहली बार यहाँ पर सॉल्ट बनाया उसका मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन सानी कट्टा से मिलता जुलता नाम था, उसी पर्सन के नाम से इस जगह का नाम सानी कट्टा है। ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको भी लग गया और हमें भी लग गया। अब हम यहाँ से चलते हैं एस्चुरी पॉइंट, 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एस्चुरी पॉइंट है। इस समय हम एस्चुरी पॉइंट के पास ही हैं, मतलब 1.5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो एस्चुरी पॉइंट पहुँच जाएंगे। अब हम ना 10-15 मिनट यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए रुके हैं। सामने आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। इन ट्रीज़ का क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर इनकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। सामने हमें रूट्स दिखाई दे रही हैं और ये काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होने से 2 एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि सॉइल इरोजन बचती है। दूसरा एडवांटेज है फिश मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास आके एग्स ले करती हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट रिवर के पास तो फॉर्म होता है लेकिन सी के पास नहीं होता, क्योंकि इसको एकदम अगर सॉल्टी वाटर हो तो रुकता नहीं है। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम, मेरे को याद है सुंदरबंस गए थे तो वहाँ पर हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा देखा था, और उसके बाद आज यहाँ पर कर्नाटका में देख रहे हैं। सही है, 5-7 मिनट और रुकेंगे फिर हम चलेंगे एस्चुरी पॉइंट को। हम एस्चुरी पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर खड़े होके ना अच्छा लग रहा है, और एक बार के लिए लग रहा है कि हम अपने जूते उतार के वहाँ पर सैंड पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर अघनाशिनी रिवर है जो मेरे लेफ्ट में है, ये आकर सामने अरेबियन सी को मिल रही है। तो एक तरह समझ लीजिए जो मीटिंग पॉइंट है वो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे भी नहीं है, जहाँ पर रिवर मीट्स दी सी। इसको एस्चुरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं ला रही। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं सुंदरबंस डेल्टा, वहाँ पर रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, तो वो तो डेल्टा है। यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं है लेकिन रिवर और समुद्र का संगम हो रहा है, इसकी वजह से ये एस्चुरी है। मुझे तो ऐसा लगता है जब आप गो करना आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 दिन का समय लेके आना चाहिए। हर लोकेशन अपने आप में समय डिमांड करती है। अब अगर शाम को 4 बजे आ जाओ तो आप 2 घंटे तो यहीं पर बैठे रहो, थोड़ा 5 बजे सूरज नीचे आ जाए तो थोड़ा हल्का हल्का पानी में पाँव डालकर आगे चलो तो एक्सपीरियंस है। सूरज वैसे ढल चुका है, यहाँ से सनसेट विजिबल नहीं है क्योंकि सामने पहाड़ है, तो पहाड़ के पीछे सूरज ढला है। ये देखिए सामने रिवर क्रूज जा रहा है, इसकी डिटेल्स मैं रात को पहुँच के फाइंड आउट करता हूँ कि क्या ये सुबह के समय भी होता है। मैंने अभी उनको आवाज़ मार के पूछा कि कैसे पहुँचे वहाँ, तो बोल रहे हैं आधा फीट ही है, तो आप यहाँ से आ जाओ। तो जूते इधर ही छोड़ देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 1 फीट है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सोचो रिवर सी और दोनों के बीच में हम वॉक कर रहे हैं। जब हम गोवा गए थे वहाँ हमने बहुत सारे सी बीचेस विजिट करे, बहुत इन्जॉय किया। अब यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर ना हमें जगह जगह
नदी का और समुद्र का संगम देखने को मिल रहा है। ये एक्सपीरियंस मैंने आज से पहले कभी नहीं लिया, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ। मैंने तो क्या किया, कुछ लोगों को देखा ऐसे पानी पार कर रहे थे, उनको फॉलो करते करते हम भी इस तरफ आ गए। मुझे लगता है कि किसी लोकल पर्सन को साथ लेके आना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर आइडिया है, क्योंकि लोकल्स को पता होता है कहाँ तक जाना सेफ है और कहाँ पर सेफ नहीं है। 6:15 का टाइम हो चुका है, अब हम यहाँ से चलते हैं गोकर्णा टाउन की ओर। चलिए जी, पिछले कुछ देर से हम गोकर्णा में देख रहे थे कि आज का डिनर कहाँ करें, तो मेन रोड जो गोकर्णा की है यहाँ पर हमारे को ना एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया है, पाई रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम डिनर करेंगे। यहाँ पर हमने अपने लिए मील लिया है, मील में क्या क्या है, दाल, वेज करी, सांभर, ये भी वेज करी है जिसमें बीन्स हैं, और काले चने, दही, छाछ, रायता, और ये पायस है, समझ लीजिए खीर, ब्रोकन वीट से इसको तैयार करते हैं, पापड़ और साथ में चपाती और राइस। दाल अच्छी है, पिछले कुछ दिनों में ये दाल मैं पहले 5 या 6 बार टेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर दाल ना, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, पतली बनती है और फ्लेवर्स अच्छे होते हैं, ये मैंने देख लिया। तोवे दाल बोलते हैं इसको, यहाँ पे तुअर दाल है, तोवे। ये भाजी मेरे को पसंद आ गई है, आलू छोले और कोकोनट बेस्ड है ये पूरी प्रिपरेशन। ये तो मेरे को जस्ट ओके लगी है, लेकिन दाल, ये वेज करी ऑसम है। एक काम करते हैं, सांभर भी टेस्ट कर लेते हैं। अब तो मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, सांभर में गुड़ की आदत सी हो गई है, ओवरऑल नाइस टेस्ट। मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया, ओवरऑल डिसेंट मील है, अब लास्ट में खीर। सही है, मैंने ये वाली खीर कम से कम 5 बार तो पक्का खाई है पिछले 12-13 दिनों के अंदर, और अब मुझे इसका स्वाद इतना पसंद आने लगा है कि घर जाके मैं इसकी रेसिपी पक्का ट्राई करूँगा। मील हमारा फिनिश हो गया, अब आपको बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। सुबह हम 8:30 निकले थे और इस समय 8:15 का टाइम हो चुका है। लॉन्ग डे, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। जब आप गोकर्णा आएंगे तो 2 दिन का विंडो लेकर आइए, 2 दिन तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। अब कल का हमारा प्रोग्राम ये है कि हाफ डे तक हम यहीं रहेंगे, दोपहर में 2 बजे या 1 बजे तक फिर हम मुर्डेश्वर को निकलेंगे और वहाँ पर जाके हम नाइट स्टे करेंगे। ये ओवरऑल सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और आज का एपिसोड कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपको बाय बाय, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, कल की जर्नी अगला एपिसोड। थैंक्स फॉर योर टाइम। ये जो आप कच्चा सा रास्ता देख रहे हो, इसके बीच से निकलते निकलते हम 600 मीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। अब पानी की साउंड ज़्यादा सुनाई देनी शुरू हो चुकी है, यहाँ से हमें लगभग 200 मीटर और आगे जाना है, वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे।